2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सभी राजनीतिक दल 2024 लोकसभा चुनाव की पिच पर बैटिंग करने की तैयारी में हैं और भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए फील्डिंग जमा रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े विपक्षी दल सपा मुखिया ने बसपा सुप्रीमो को लेकर कह दी बड़ी बात। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 खबर हमारी दुनिया। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्ष का इंडिया गठबंधन तैयार हो रहा है, जो हर क्षेत्र हर प्रदेश को लेकर उनके मुद्दों पर अपनी रणनीति बना रहा है और खास तौर पर सबकी नजर उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं और यहाँ विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है समाजवादी पार्टी। इसी के चलते सपा मुखिया ने कांग्रेस के दो टूक सवाल किए और उत्तर प्रदेश को लेकर दो शर्तें भी रख दी और एक नारा भी दे दिया कि 80 हटाओ लोकतंत्र बचाओ। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के साथ जहां मायावती के साथ उतरने की उम्मीदें हैं तो वहीं अखिलेश यादव इससे नाराज नजर आ रहे हैं। वह नहीं चाहते कि सपा बसपा के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े। अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में कांग्रेस से पूछा, क्या इस गठबंधन को लेकर बसपा के साथ बातचीत चल रही है? क्या वह बसपा को इस गठबंधन में लाना चाहते हैं? इसको लेकर कांग्रेस अपनी इच्छा जाहिर करे। यदि कांग्रेस ऐसा चाहती है तो समाजवादी पार्टी भी अपना स्टैंड लेगी, क्योंकि गठबंधन को लेकर हमें भी साफ करना पड़ेगा। इसी के साथ जब मीडिया ने अखिलेश यादव से बसपा को लेकर सवाल किया तब उन्होंने शर्त के साथ साथ नया नारा भी दे दिया। नारा है कि यूपी में 80 हटाओ लोकतंत्र बचाओ। तो सुनिए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कहा। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई, बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। क्या बीएसपी के साथ, क्या आप लोग बीएसपी के साथ भी कोई गठबंधन करेंगे? क्या इसको लेकर भी अंदर चर्चा की गई? फिर रिपीट करो, क्या बीएसपी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे, इसको लेकर कोई चर्चा की गई? समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल है उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है? मुझे नहीं पता क्या पूछ रहे हो। मध्य प्रदेश में जैसा हुआ वैसा नहीं होगा। मध्य प्रदेश में आपके साथ जैसा तरीके से हुआ है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सर चुनाव में कुछ दिन बचा है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? यूपी में 80 हराओ सर, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और लोकतंत्र बचाओ चेहरा कौन होगा सर? प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है जी, क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती, न देखना चाहती। चरम सीमा पर महंगाई है, किसान की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई, ये तमाम वो सवाल है जो हमें जनता के बीच में ले जाने। यूपी ने आपको, क्या कांग्रेस ने आपको आश्वासन दिया है कि आपको सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी? 80 हराएगा, 80 हराएंगे, भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाए। और अब सपा मुखिया अखिलेश यादव का ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसी बयान को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, उन्होंने अपनी बात रखी, राम गोपाल जी ने कहा था, उन्होंने अपनी बात रखी। अब ये सारी चीजें कमेटी के अंदर हैं, नेताओं के बीच में हैं कि लोगों के इंक्लिनेशन देखें, पॉलिटिकल पार्टीज का इंक्लिनेशन देखें, फिर उस पर फैसला करें। तो उनकी बात सुनी? बिल्कुल सुनी, बिल्कुल सुनी गई, समझी गई। और उस पर बाकायदा खड़गे साहब ने कहा कि रूमर पर हम लोगों को तवज्जो नहीं देना। आपको बताते चलें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव पहले से ही कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व समाजवादी पार्टी ही करेगी। इंडिया गठबंधन की गाड़ी का स्टेयरिंग सपा के हाथों में ही होगा और सीट शेयरिंग भी सपा ही करेगी। वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस ने भी ये साफ किया कि हम यूपी में लोकसभा चुनाव अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही लड़ेंगे,
यानी अखिलेश यादव की शर्तों पर मोहर लग सकती है। परंतु देखना होगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती आखिर क्या करेंगी और वह किसके साथ जाएंगी। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक, और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।